वहीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण में छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट के लिए वोटिंग चली है। इसके 6 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान खत्म हो गया है। यहां 3 बजे तक ही वोटिंग होनी थी। अब जो मतदाता बूथ के अंदर है केवल वही मतदान कर सकेंगे। वहीं जगदलपुर और बस्तर विधानसभा क्षेत्र में शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। वहीं बस्तर लोकसभा सीट पर दोपहर 1 बजे तक 42% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। इस बीच बीजापुर में 2 जगह अलग अलग ब्लास्ट हुए हैं। उसूर थाना इलाके के गलगम में सीआरपीएफ 196 बटालियन के जवान एरिया डोमिनेशन पर निकले थे। इसी दौरान पोलिंग बूथ से 500 मीटर दूर ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक जवान को चोट आई है। इसके साथ ही बीजापुर के ही भैरमगढ़ थाना इलाके की चेका में आईईडी ब्लास्ट हो गया। इसमें एरिया डोमिनेशन पर निकले सीआरपीएफ 62E के असिस्टेंट कमांडर मनु HC को बाएं पैर और बाएं हाथ में चोटें आई हैं। वहीं सीआरपीएफ जवान चेका पोलिंग बूथ के आसपास के दायरे में एरिया डोमिनेशन के लिए निकले थे।